बिजनेस टू का। तो अगर से ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो हमें बिजनेस टू ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से, चाहे रेवेन्यू के हिसाब से भी ज़्यादा ही है वो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड पर रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, तो ये 50% होगा इसका मेरे ख्याल से। इसका 20% होगा। तो इसमें बात ये देखने की कि इसने 1 लाख के रेवेन्यू, इसने जन 1 लाख का रेवेन्यू इसका उसमें से उसके बावजूद से 50,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। इसका रेवेन्यू 5 लाख है लेकिन प्रॉफिट इसने सिर्फ 1 लाख जनरेट किया। तो अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो इसका हाँ फॉर्मूला क्या बताया था आपने? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं इसको। सर ये आएगा तकरीबन 0.5 आता है सर। अब मल्टीप्लाई पर 100 भी करना होगा तो परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में लिखते हैं रेशियो ये वाला रेशियो। तो इसका रेवेन्यू कम है लेकिन उस कम रेवेन्यू के बावजूद इसने प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट किया, और इसका जो है इसका प्रॉफिट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके हिसाब से इसने प्रॉफिट कम जनरेट किया। तो अगर हम रेशियो निकालें तो बिजनेस वन ज़्यादा अच्छा है, ये फ़ायदा होता है रेशियो एनालिसिस का। क्योंकि अपेरेंटली हमसे नंबर देखे तो लगेगा कि बिजनेस टू ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो फिर बिजनेस वन ज़्यादा अच्छा है, जी सर। क्योंकि उसने कम रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, उसने ज़्यादा रेवेन्यू से भी कम प्रॉफिट जनरेट किया। इसलिए रेशियोज मैटर करते हैं एनालाइज करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बजाय कि हम प्लेन नंबर को देख लें। सही है हसन। जी सर। तो पहले तो एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स से निकलता है, फॉर्मूला लिखे हुए आगे सारे। अब इस पे या तो कैलकुलेशन भी आ जाती है और एनालाइज भी करवाता है ये। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रीजन ये। अब ये नहीं लिखना है कि रेवेन्यू ज्यादा, ये लिखना है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्ट की चेंज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है या उस पर नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे प्ले स्टेशन 4 इन्होंने प्लेन निकाला था, उसके बाद फिर इन्होंने PS4 Pro निकाला, तो उस पर फीचर्स ऐड किए तो उसके ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसी तरह सैमसंग भी यही कर रहा होता है, पहले जैसे नोट 20 निकाला, फिर नोट 20 अल्ट्रा भी था, सॉरी S20 अल्ट्रा भी था जो है, या नोट 20 अल्ट्रा भी था, तो उस अल्ट्रा के ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है। ये तो कंपटीशन कम फेस कर रहे हैं क्योंकि मर्जर एंड टेकओवर्स की वजह से। इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में हो ही ना। अब प्रोडक्ट यूनिक है फिर तो वो कोई सा भी रीजन लिख सकते हो, इस तरह लिखना होगा कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक है या न्यू फीचर्स हैव बीन एडेड ऑन टू प्रोडक्ट। अब जैसे जो प्रिंगल्स के चिप्स हैं उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं, वो मोनोपोली है, तो वो अपनी मर्जी की जो दिल चाहे प्राइस चार्ज करता है। अच्छा, इसके अलावा ये या तो तुम चीपर सप्लायर से कुछ खरीद रहे हो जिसकी वजह से लोअर परचेज प्राइस आ रही है तुम्हें, अगर तुम चीपर सप्लायर से खरीदोगे तो ऑब्वियसली परचेजेस की कॉस्ट डाउन होगी, ये भी रीजन हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने का। अब जैसे ओई लेवल की टीचर थी प्रिंटिंग करवाते, अगर भादराबाद से कराए तो महंगी पड़ेगी, यही काम अगर मैं बहुत वो वहां से करवाऊँ अपना मीना बाजार वाले इलाके से जहाँ प्रिंटिंग का भी काम होता है काफी, करीमाबाद में, तो करीमाबाद में सस्ती पड़ेगी प्रिंटिंग। बिल्कुल सर। काम भी तुम्हारा निकल रहा है, तुम्हें चीपर सप्लायर भी मिल जाएगा करीमाबाद में, भादराबाद जाओगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसके अलावा अगर मेरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस इंक्रीज हुई ना, अगर सपोज करो मैं गुड्स महंगे खरीद रहा हूँ तो मैं फिर कस्टमर्स के प्राइस भी बढ़ा दूंगा। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पास्ड ऑन टू कस्टमर्स, ये वाला छोड़ दो तो अच्छा है, क्योंकि ये रीज़न एक ही रीज़न या दो रीज़न ही लिखने होंगे मैक्सिमम, ये भी मैं बताऊंगा कब दो लिखने कब एक रीज़न लिखना है। अब जीबी मार्जिन वर्स होने के रीज़न ये होते हैं, जरा इनको भी पढ़ लो, इसमें से इन्वेंट्री लॉस वाला रीज़न छोड़ देना, इनको पढ़ के समझ लो, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो मुझसे, वाइज वर्स होंगी ये।
जी सर, रीड कर लिया। सही है, समझ आ गया ना रीजन, सेलिंग प्राइस कम कर देगा या कॉस्ट ऑफ परचेजेस बढ़िया, महंगे सप्लायर से गुड्स खरीद रहे या आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्रीज हो गया, कस्टमर के लिए प्राइस नहीं बढ़ाई तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा। और या तुमने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी क्योंकि सीजनल सेल्स करनी है या कंपटीशन बढ़ गया इंडस्ट्री में। जैसे तुमने टेस्ला का शायद सुना हो कि एक उसका कंप्यूटर है, वो सेम चीज सेम सिमिलर गाड़ी बना रहे हैं लूसेट के नाम से, और ये फॉर्मर टेस्ला का एम्प्लॉय था जिसने लूसेट की कंपनी बनाई है, तो उसी की वजह से ना टेस्ला ने थोड़ी सी प्राइसेस गिरा दी अपने उस इलेक्ट्रिक कार के। सर शायद अगर तुमने न्यूज़ सुनी हो ये। जी सर। इसके अलावा जब उबर या नया आया था तो करीम ने अपने प्राइसेस थोड़े डाउन किए थे उस वक्त। अच्छा, अबे ये प्रॉफिट मार्जिन, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना उसको रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं। मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू डिवाइड बाय 100 पे मैंने एग्जांपल भी लिख दी। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज टर्म्स में लिखे जाएंगे ऑलमोस्ट, सही है, सबको आखिर में मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, सब परसेंटेज टर्म्स में लिखने। अगर तुम परसेंटेज नहीं लगाओगे तो मार्क्स आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। से जो भी आंसर है उसको एंड में परसेंटेज में करता रहा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उसमें बाकी के अलग यूनिट्स होंगे, ये अभी से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस की बात कर रहा हूं, सही है। प्रॉफिट मार्जिन शो करता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर को अगर मैं रेवेन्यू से कर दूं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में अगर चेंज आएगा तो मेनली वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से होगा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चेंज आने की वजह से होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब बिजनेस अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेटर कंट्रोल कर रहा है, उसने डाउनसाइजिंग करके सैलरीज कम कर दी या उसने अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डिक्रीज किए। तो एक से बस दो एक्सपेंसेस के नाम लिख देना उसमें, और अगर ये एक डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन तो फिर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल बिजनेस का अच्छा नहीं, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे सैलरीज एंड वेजेस बढ़ रही होंगी, नए नॉन करेंट एसेट्स खरीद लिए तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा होगा, कैरेज आउटपुट्स हो सकता है उसकी इंक्रीज हो रही हो, कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए तो कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाना महंगा पड़ रहा है, ये पढ़ लो। अच्छा, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाले रीजंस नहीं लिखना जो है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो अलग से ये एनालाइज करवाता है, तो उसमें बात तो मैं मेनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे ही करनी है प्रॉफिट मार्जिन पे, सही है। इसको रीड कर लो फिर मैं आगे। अच्छा, ये रेशियो ज्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा है, इस वाले रेशियो का पूछ रहा हूँ तुमसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स। सर इसमें क्या कहते हैं, सर क्या कह रहे थे? देखो इसमें ना हम ये चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है, तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से डिवाइड करके ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इस रेशियो का सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो जी सर वो तो वही होगा ना सर कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस और वो सब। बिल्कुल, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट में दिए हुए होते हैं। सही सर, इसको हम सेल्स से कंपेयर करते हैं कि अगर हमारी सेल्स कम हो रही है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा है तो फिर फजूल है। हाँ, तो ये रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए ये पूछ रहा हूँ मैं। ये रेशियो सर कम होना चाहिए। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स जितने कम हो उतना अच्छा है, इसका मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस कम है, तो इसका एनालिसिस सिमिलर है प्रॉफिट मार्जिन वाला ही करेंगे, लेकिन बस पे ये बात याद नहीं कि रेशियो अगर कम है तो अच्छा है, ज्यादा है तो बुरा है। जी सर। अच्छा, इसको भी रीड कर लो, वही रीजन है, उस पर कोई चेंज नहीं है कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से रेशियो खराब वर्ड्स हो रहा होगा, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे तो ये रेशियो इम्प्रूव हो रहा होगा, खत्म बात।
कैसे? अच्छा ये इम्पोर्टेंट रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अच्छा दो रेशियोज कर लेंगे, फॉर्मूलाज दिखा दूँ। मैंने रेशियो भी लिखा हुआ, पर मैंने एग्जांपल भी लिखी कि उसको आंसर कैसे लिखना है उसका। जैसे 25 आए तो 25% लिखना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाई रेवेन्यू। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ओवर रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज टर्म्स में लिखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ये। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सर, ये क्या बात हुई? ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, मेनली एक कंपनी में कैलकुलेट कराता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी अकाउंट्स में होता है, जब वहाँ बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी से इतना याद रख लो कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट होता है, सही है? यानी इंटरेस्ट और टैक्स से माइनस नहीं हुआ हुआ होता, वो भी हमारे एक्सपेंसेस है ना। इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुए हुए अगर प्रॉफिट इसमें से प्रॉफिट में से, तो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। अच्छा फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आता है एक्विटी को नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करने से। वहाँ मैंने कंपनी के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है नोट्स में, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड एक पे तो एक तो हम अपनी ओनर्स की इन्वेस्टमेंट लेते हैं जो इक्विटी है, उसके अलावा लेंडर्स की इन्वेस्टमेंट लेते हैं जो नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। आसान सही है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। सर इक्विटी तो हमारा वो हो गया क्या कहते हैं कैपिटल, और सर नॉन करंट लायबिलिटीज क्यों डालेंगे सर? क्योंकि कैपिटल दो टाइप के होते हैं बिजनेस में, एक तो जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ, दूसरा जो लेंडर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है कर्जदारों ने, वो नॉन करंट लायबिलिटीज में होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज लोन्स होते हैं ना आउटसाइडर से लिए हुए बिजनेस के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सर वो हमारा वो नहीं होता सर, क्या कहते हैं सर जो हमारी मशीन्स वगैरह जो है एसेट्स में नहीं आएगा सर? ये वही आंसर आ जाएगा जो एक्चुअली इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज से इन्वेस्टमेंट रेस किए, वो इवेंचुअली तुम एसेट्स खरीदने में और इन्वेंटरी खरीदने में खर्च करोगे ना पैसे। जो इन्वेस्टमेंट है फिर ये यूज करोगे ना एसेट्स वगैरह बाय करने के लिए, इसलिए इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। जो भी तुम इक्विटी से या नॉन करंट लायबिलिटी से इन्वेस्टमेंट फंड्स रेस करोगे उसको फिर यूज करोगे ना एसेट्स बाय करने के लिए, और यूज किया भी होगा एसेट्स बाय करने के लिए, इन्वेंट्री बाय करने के लिए। कैपिटल की जो बात होती है ना तो उसमें अक्सर बेशतर इन्वेस्टमेंट लेनी होती है। आसान कुछ कह रहे हो तुम, कट रही है बात तुम्हारी बीच में। नहीं सर मैं कह रहा हूँ सही समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट के लिए तुम ये देखेंगे ना कि कितना हमने ओनर्स ने इन्वेस्ट किया था और कितना लेंडर्स ने हमें लेंड किया था, उसके बाद पर हम उसे जैसे भी खर्च करें मशीनरी खरीदने में या कुछ भी करने में। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शो करता है कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शो करता है एक तरह से कि कितना इन्वेस्ट किया और कितना उसमें प्रॉफिट अर्न किया हमने। तो अगर हम कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा, तो हम जितना ज़्यादा अपना प्रॉफिट अपना इन्वेस्टमेंट से जनरेट करें उतना अच्छा है, तो ये रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। डिफिकल्ट नहीं है।
A2 में भी शायद रेशियोज है। A2 में भी रेशियोज है, उस पर ये भी याद रखने पड़ते हैं। और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के रेशियोज हैं A2 में, वो नए हैं सारे, वो कभी नहीं पढ़े होंगे तुम लोगों ने। देखिए जो AS लेवल पे रेशियोज है ऑलमोस्ट सारे O लेवल के ही है, बस दो तीन एडिशनल रेशियोज पढ़ने होंगे। इसको रीड कर लो जरा, फिर एक एग्जांपल भी है नीचे। प्रॉफिट इज इन्वेस्टमेंट इसलिए देखा जाता है कि कितना कि हमने कितना इन्वेस्ट किया उसके कितना परसेंट प्रॉफिट जनरेट किया इन्वेस्टमेंट करके। सब आइसोलेशन में प्रॉफिट देखने से कभी हम एनालाइज नहीं कर सकते कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है नहीं। हम ये देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से प्रॉफिट जनरेट किया है या नहीं, इसलिए रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम। अभी नीचे एग्जाम्पल भी है इसकी। तो ये एक एग्जांपल है, जरा 100,000 इन्वेस्टमेंट इज ओनली जनरेटिंग 5,000 प्रॉफिट, फिर एक दूसरी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है जिसकी वजह से 5,000 का इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 जनरेटिंग 5,000 प्रॉफिट है ये, सॉरी विच वन इज बेटर। तो पहले इस सिचुएशन में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, सिंपली प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। सर 5% पहले वाले का आएगा, सर दूसरे वाले का कितना? दूसरे वाले का आ रहा है 10,000, 50% सर। हाँ, अब तुम यहाँ देखो कि 1,00,000 इन्वेस्टमेंट करके इसने 5,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, दूसरे बिजनेस से 10,000 इन्वेस्ट करके 5,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को देखते तो हमें दोनों बिजनेस ही अच्छे लगते हैं। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो दोनों बिजनेस ही सही लगते हैं। क्या दोनों ही सिमिलर लेवल ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो वहाँ दोनों ही अच्छे हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा तो पता चल रहा है कि बिजनेस बी बेहतर है, क्योंकि उसने कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कम प्रॉफिट जनरेट किया, तो इसलिए ROC निकाला जाता है। अब समझ आया? जी सर। ये रेशियो अगर इम्प्रूव हो रहा है या ज़्यादा है तो उसका मतलब अच्छा ही, दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए होता है, लेंडर्स के लिए भी और ओनर्स के लिए भी। शेयर होल्डर्स का मतलब ओनर्स, दोनों को हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि या तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो गया या कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो गया, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर होता है फॉर्मूला में ना, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगा, या न्यूमरेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो इंप्रूव होगा। लोअर रेशियो का मतलब है कि दोनों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अनहैप्पी होंगे। इसको पढ़ लो जरा, ये एनालिसिस लिखना है इसमें थोड़ा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। हसन रीड कर लिया ये? जी सर, समझ आ गया। अच्छा, अब लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में हम सब ये सब ओनर्स के लिए कैलकुलेट होता है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओनर्स के लिए भी कैलकुलेट होता है और लेंडर्स के लिए भी होता है। मैं इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ।
ऑल्दो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा आता है ये कम आता है, इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर को डिवाइड कर देंगे इक्विटी से ही। कुछ फॉर्मूलास कंपनी के हिसाब से लिखे क्योंकि कंपनी में ज्यादा आते हैं टैक्स, इसलिए तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। छोटे शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब है टोटल इक्विटी। अभी कंपनी पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कंपनी के इक्विटी को कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो ये सब ओनर्स के लिए शो करेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये रेशियो हम सिर्फ शेयर ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो उसमें ओनर्स देखेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कि सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना प्रॉफिट बिजनेस जनरेट कर रहा है। इसको पढ़ लो जरा। ये भी जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करने, तो आंसर जब आ जाए तो उनके साथ परसेंटेज लगानी है, और सबको फाइनल आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा। तो ये थे सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सब फॉर्मूलाज लिखे हुए, सबकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है मैंने आंसर की। दूसरे पे लिक्विडिटी रेशियो, तो ये तो पढ़े होंगे वो लेवल में भी, करंट रेशियो होता है, लिक्विड टेस्ट या एसिड टेस्ट रेशियो होता है। लिक्विडिटी रेशियोस ऑब्वियसली कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए निकाले जाते कि उसकी कैश पोजीशन क्या है, वो अपने करंट लायबिलिटीज को और एक्सपेंसेस को पे कर सकता है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि इसकी लिक्विडिटी शॉर्टेज है बिजनेस में। तो सबसे पहले करंट रेशियो होता है, इसमें सिंपली करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कर देते हैं हम। तो उसमें सपोज करो 1.5:1 आंसर आया, ये रेशियो में आंसर लिखते सही है 1.5:1। सपोज करो 1.5 आंसर आए तो 1.5:1 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये कि हर डॉलर वन ऑफ करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 1.5 डॉलर ऑफ करंट एसेट्स है। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कम है, पे करने के लिए मेरे पास ज्यादा करंट एसेट्स है। तो इसका मतलब बिजनेस की लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी है, डिसेंट एटलीस्ट। पहले इसको पढ़ना, उसमें एग्जाम्पल का मतलब। रेशियो ऑफ 1:1 शोज दैट बिजनेस हैज अ 1.52 पे ऑफ ईच डॉलर वन ऑफ करंट लायबिलिटीज, दैट इट विल नॉट हैव लिक्विडिटी और कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। तो उसमें यही कमेंट करना, अगर ये रेशियो अच्छा है तो लिख देना कि लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव है, इसको अपने एक्सपेंसेस पे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर ये रेशियो 1 से नीचे तो फिर ये बुरा होता है। अगर ये रेशियो 1 से नीचे आ रहा है, 0.75 0.5 आंसर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि हर डॉलर वन ऑफ करंट लायबिलिटी पे करने के लिए सपोज करो मेरे पास 0.5 डॉलर ऑफ करंट एसेट है। तो फिर इसका मतलब है कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन वीक है, प्रोबेबली कैश की शॉर्टेज है उसमें। तो ये आइडियल रेंज 1.5 से 2 के बीच में तो सही रहता है, कम से कम 1:1 होना चाहिए। मगर ये इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए, जैसे 3:1 है। अगर 3:1 है तो उसका लोग अपने करंट एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे, कैश आइडल पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री बिक नहीं रही, या ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी की वजह से। कस्टमर से हम पैसे निकलवा नहीं रहे सही से। एक सेकंड।
इसको पढ़ लो जरा, करंट रेशियो को यही पढ़ के समझ आ जाएगा जल्दी, आसान है बहुत। रीड कर लिया सर। इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो डिवाइड बाय करंट डेंसिटी, तो इसका जैसे 1.5 आंसर आए तो 1.5:1 लिखना होगा आंसर इसका। अच्छा, पर एसिड टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो वही चीज है, बस फर्क ये कि इसमें करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री करते हैं, करंट एसिड्स के टोटल में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं और उसे डिवाइड कर देते करंट लायबिलिटीज से। क्विक रेशियो या करंट एसिड टेस्ट रेशियो थोड़ा सा रियलिस्टिक वर्जन है करंट रेशियो का, इन्वेंट्री से माइनस करते कि इन्वेंट्री दे स्टिक विद करंट एसिड है। इन्वेंट्री का तुम्हें खुद पता है कि अगर सामान खरीद के लाए तो उसे कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, फौरन नहीं होती। तो इन्वेंट्री दे स्टिक विद करंट एसिड है, एक तो उसे कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। उसके अलावा का मेरे करंट एसेट्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर इन्वेंट्री तुम्हारी बिजनेस में ज्यादा है तो उसको लगा तुम्हारा पैसा ना इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। अगर वही इन्वेंट्री बिके तो फिर उस पर कैश, तो कैश जनरेट करेगी वो इन्वेंट्री बिजनेस के लिए। हेलो सर, ये मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री लीज लिक्विड करंट एसेट है, क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर करंट एसेट्स की वैल्यू इससे ज्यादा कि इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है तो ये अच्छा है बिजनेस के लिए या नहीं? करंट एसेट्स की वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है कि इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं? इसका आप कह रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है और करंट एसेट्स की, अब करंट एसेट्स तो करंट एसेट्स का पार्ट होती है ना इन्वेंट्री, तो अगर करंट एसेट्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं? सर इन्वेंट्री बिजनेस के लिए ज्यादा इन्वेंट्री सर अच्छी तो नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है कि पैसा फंसा हुआ है उसमें, अगर वही इन्वेंट्री बिके और सेल्स हो तो फिर कैश रिलीज होगा ना उस इन्वेंट्री में से, अगर सामान बिक नहीं रहा तो फिर पैसा फंसा हुआ आपका इन्वेंट्री में, इसलिए इसको इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है करंट एसेट्स में से, और बाकी एसेट्स करंट एसेट्स को हम सिर्फ कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो एक तो कैश में कन्वर्ट जल्दी होते हैं और प्लस वो ज्यादा लिक्विड भी होते हैं करंट एसेट्स, तो इसलिए इन्वेंट्री माइनस करके हम करंट एसेट्स में से इस पे से लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एटलीस्ट ये 1:1 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 1 से नीचे है तो उसका मतलब हमारा इन्वेंट्री में कैश बहुत स्टक हुआ हुआ है और लिक्विडिटी पोजिशन ऑब्वियसली वीक है। तो एक एग्जांपल है, अगर सपोज करो ये करंट रेशियो जो है वो 1.5 है, लेकिन एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड या क्विक रेशियो तुम्हारा सिर्फ 0.5 है, तो उसका मतलब तुम्हारा इन्वेंट्री में बहुत कैश फंसा हुआ है, क्योंकि ये रेशियो तो इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से ज्यादा आ गया, लेकिन रियलिटी तुम्हें फिर एसिड टेस्ट या लिक्विडिटी रेशियो के जरिए पता चली कि नहीं मेरी एक्चुअल में लिक्विडिटी अच्छी नहीं, क्योंकि मेरा तो पैसा फंसा हुआ है इन्वेंट्री में, ये इसलिए निकाला जाता है। इसको रीड कर लो एक बार जरा।
अच्छा अभी एफिशिएंसी रेशियो स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर या एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये कैलकुलेट होता है अकाउंट रिसीवेबल को डिवाइड कर दो क्रेडिट सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो इसका आंसर डेज में आएगा। अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365 पर मिसाल के तौर पे 30 डेज आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि अपने क्रेडिट कस्टमर्स को ना 30 डेज अलाउ कर रहे हैं कि वो हमें पेमेंट करते हैं अपनी ड्यूज की। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं ना, और आंसर सपोज करो उसको 30 आ रहा है, तो उसको ना 30 दिन दे रहे हैं कि वो अपनी डेट सेटल कर ले। अब सपोज करो पिछले साल हम उन्हें 15 दिन का टाइम दे रहे थे, लेकिन इस साल हम करंट ईयर में उन्हें 23 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपने क्रेडिट कस्टमर्स को। तो इसका मतलब हमारी लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी है। अच्छा, अगर लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी तो ऑब्वियसली एट टाइम्स लोग क्रेडिट पे बाय करना प्रेफर करते हैं, तो उससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर हम क्रेडिट पे सेल्स कर रहे, अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी लीनियंट है, तो हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे इससे, क्योंकि हमसे ज्यादा लोग खरीदेंगे अब, और उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये रेशियो ऐसे कि ये ज्यादा होने के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और रेशियो अगर कम भी है तो उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर हम ज्यादा टाइम कस्टमर्स को दे रहे हैं तो हमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कस्टमर्स हमें लेट पे कर रहे हैं, इजंट इट। और अगर हम कस्टमर्स को ज्यादा टाइम दे रहे तो बैड रिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पड़ा, तो ज्यादा टाइम दे रहे तो फिर बैड डेट का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम देंगे कस्टमर को उतना ज्यादा चांस है कि कस्टमर हमारे पैसे मार ले या कस्टमर हमें धोखा देके भाग जाए। इसमें कैश फ्लो का भी तो इशू आया है ना। हाँ, इसमें तो ये अगर रेशियो ज्यादा है तो ये उसके बारे में अलग से लिखा हुआ है, मैंने इसको रीड कर लो नीचे पर, मैंने लो होने के बारे में लिखा है। तो अगर ये रेशियो ज्यादा है तो उसका फायदा भी उसका नुकसान भी है। ये रिलेटिव रेशियोज है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर और ट्रेड पेएबल टर्नओवर। ज्यादा है तो भी फायदा नुकसान है, कम है तो भी फायदा नुकसान है, तो दोनों लिखने होंगे इसके लिए। अब सपोज करो ये रेशियो कम है, पिछले साल हम 30 डेज अलाउ कर रहे थे, सपोज करो इस साल में 15 डेज अलाउ कर रहा हूँ, तो इससे मेरा कैश फ्लो तो इम्प्रूव होगा। स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी की वजह से कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम डंडा देके कस्टमर से जल्दी पैसे निकलवा रहे, तो ऑब्वियसली हमारी कैश फ्लो की पोजिशन बेहतर हो जाएगी, पैसा जल्दी आएगा कंपनी में। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम अपने कस्टमर्स उस कॉम्पिटिटर को लूज कर सकते हैं जो हमसे ज्यादा कस्टमर्स को टाइम दे रहा है पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होगा। और फिर एक फायदा एक और ये भी है कि कस्टमर से जल्दी पैसा निकलवा लेंगे तो बैड डेट्स से इररिकवरेबल डेट्स का रिस्क कम हो जाएगा। इसको पढ़ लो जल्दी से। सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो जल्दी से।
आप पढ़ लिया हस्तान? जिसे और इसमें एक बात याद है, क्रेडिट सेल्स यूज होंगी तो एट टाइम्स उसमें जैसे टोटल सेल्स दी भी होंगी तो उसमें से कैश सेल्स माइनस कर देते ना तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। क्रेडिट सेल्स की फिगर यूज करनी होगी इसमें, ध्यान रखना इस रेशियो में। कर दिया मेरा अच्छा, इसी तरह ट्रेड पेबल्स टर्नओवर और एवरेज पेमेंट पीरियड है, इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये रेशियो भी डेज में आता है। अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस मल्टीप्लाई बाय 365। अब इसे 20 दिन का मतलब है कि सब क्रेडिट सप्लायर है ना, हमें 20 दिन दिए हुए कि हम उसकी पेमेंट कर दें, तो हम 20 दिन के अंदर, हाँ हम 20 दिन के अंदर ना क्रेडिट सप्लायर की पेमेंट करते हैं, तो हमें 20 दिन का टाइम दिया हुआ है सप्लायर ने पे करने के लिए जो सामान हमने क्रेडिट पर खरीदा था उसके लिए। सपोज करो पिछले साल हम 10 दिन के अंदर पे कर दिया करते थे सप्लायर को, लेकिन अब हम जो है वो 20 दिन लगा रहे सप्लायर को पे करने में, तो सप्लायर की पेमेंट हम डिले कर रहे हैं, तो इससे हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव होगा क्योंकि सप्लायर को हम देर से पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी कैश फ्लो, हमारा कैश फ्लो ज्यादा होगा। हाँ हाँ बोलो। लेकिन फिर वो अगर हम डिले करेंगे सर तो फिर वो अगली दफा क्रेडिट में भी फिर नहीं देगा। हाँ तो ये नुकसान भी, फायदा देखिए कि चलो वक्ती कैश फ्लो पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि हम उसकी पेमेंट डिले कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सप्लायर के साथ रिलेशनशिप खराब होगा और फ्यूचर में हो सकता है वो क्रेडिट परचेजेस के लिए रिफ्यूज कर दे या बल्क बैंक डिस्काउंट खत्म कर दे सारे, या वो सर नेक्स्ट टाइम कहे कि आप कैश पे ही परचेज करें, आपको जरूरत नहीं क्रेडिट पे परचेजेस करने की। तो ये रेशियो अगर ज्यादा है तो उसके फायदे और नुकसान भी है, पहले यहाँ तक पढ़ लो उसको। अच्छा इसी तरह सपोज करो पिछले साल हम उसको 20 दिन लगा रहे थे पे करने में, इस बार हम उसे 10 डेज के अंदर अंदर पे कर रहे हैं, तो सप्लायर के साथ ऑब्वियसली रिलेशनशिप इंप्रूव होगा क्योंकि उसे जल्दी पैसे मिल रहे हैं, तो वो फिर हमें ज्यादा डिस्काउंट देगा, हमें और क्रेडिट पे परचेजेस करना अलाउ करेगा, लेकिन इससे हमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अगर हम सब क्रेडिट सप्लायर को जल्दी पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी हमारी कैश फ्लो डाउन होगा इससे। इसको रीड कर लो सेकेंड पैराग्राफ को। और होमवर्क के क्वेश्चन सब करते रहो तो अच्छा है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम अगर तुम लोग को तो तुम लोग मुझसे पूछ भी सकते हो, और होमवर्क के क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा तुम लोगों को कौन सा टॉपिक कितना समझ, कितना सही समझ आया, कितना सही समझ नहीं आया, तो फिर तुम लोग से क्यूरियस भी पूछ सकते हो मुझसे। अब नहीं करोगे तो तुम करोगे, अब तो करना चाहिए, देनी कितने रहे सर? मैं तो सर स्टार्ट कर दिया है एक भी, आधा हो गया अभी वो क्लास को कंप्लीट करूँ, उसके बाद कोशिश है कि आज 2 से 3 क्वेश्चन करूँ। अच्छा
इसमें भी डेज में ही आंसर लिखते हैं, इसके अलावा अगर टोटल परचेजेस दी हुई है तो उसमें से कैश परचेजेस माइनस कर देना तो क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी, सही है। इस पे क्रेडिट परचेजेस की फिगर यूज करनी है, टोटल की नहीं यूज करनी, सही है। अच्छा फिर ये फॉर्मूला ओ लेवल में भी था, इन्वेंट्री टर्नओवर और रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, याद ही है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस, याद नहीं सर। एक सही, इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ना कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंटरी से, और एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला ये ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। ये रेशियोस में बेसिकली सारे फॉर्मूलाज ही याद रखना, ये फॉर्मूलाज याद करने और एनालिसिस भी करवाता है वो बाज का 9 और 10-10 मार्क्स का, तो तुम लोग को रीजंस भी पता होने चाहिए कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर पिछले साल 10 टाइम्स था अब 20 टाइम्स हो गया तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो पॉसिबल रीजंस लिखने होंगे एक दो तुम लोगों को। या तुम्हारा इन्वेंट्री टर्नओवर 10 टाइम्स है, कॉम्पिटिटर का इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स है, तो फिर तुम दोनों के तुम्हारा कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन करना होगा तुम्हें, तो उसके लिए एक दो रीजन देने होंगे, इसलिए समझा रहा हूँ रीजन में, ऐसे ही नहीं समझा रहा, वरना तो वैसे फॉर्मूला करवा देगा क्योंकि एनालिसिस को पूछ रहा होता अक्सर बेस पर। ओपनिंग इन्वेंटरी तो अब सपोज करो इसका आंसर 10 टाइम है, सही है। इन्वेंटरी टर्नओवर का मतलब होता है कि हर साल हम कितनी मरतबा इन्वेंटरी खरीद रहे हैं, कितनी मरतबा बेच रहे हैं, तो 10 times साल पे तुम इन्वेंटरी बाय करते हो और इन्वेंटरी तुम्हारी बिक भी जाती है, ये मतलब है इसका। एक मिसाल लेते, 2020 में ये 10 टाइम्स था, 2021 में ये 20 टाइम्स हो गया, पिछले साल हम 10 मरतबा इन्वेंट्री खरीद रहे थे और 10 मरतबा बेच रहे थे, लेकिन इस बार हम 20 मरतबा इन्वेंट्री खरीद रहे 20 मरतबा इन्वेंट्री बेच रहे, तो तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है, जितनी तो ये ड्यूरेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। हाँ तो ये टाइम्स में ना ये आंसर ज्यादा अच्छा है, तो ये इम्प्रूव हुआ है रेशियो। अब इसके रीजन ये हो सकते हैं कि तो वो इन्वेंट्री कम खरीद रहा है, रेशियो के इम्प्रूव होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो इन्वेंट्री कम खरीद रहा है। तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू गिर जाएगी, डिक्रीज होगी, देखो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि मैं परचेजेस कम कर दी है ना मैंने इन्वेंट्री की, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और वैसे सामान कम खरीदोगे तो ईयर एंड में इन्वेंट्री कम बनेगी, तो एवरेज तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो एवरेज इन्वेंट्री की फिगर कम हो जाएगी, सही। एवरेज इन्वेंट्री कम हो जाएगी इसमें डिनोमिनेटर है, तो ये रेशियो इम्प्रूव होगा, अगर एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये रेशियो ऊपर जाएगा, तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि इन्वेंट्री हम कम खरीद रहे, जरूरी नहीं कि हो, तो पॉसिबल रीजन एक से दो लिखते हैं। दूसरा रीजन लिख सकते हैं कि एक्सेसिव कस्टमर फ्लो, इसका ये कि प्रोडक्ट डिमांड में जिसकी वजह से ज्यादा ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर बिजनेस की डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की तो फिर जाहिर सी बात है ज्यादा मरतबा तुम्हें इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी और ज्यादा मरतबा तुम बेचोगे भी, तो वो भी रीजन होगा इन्वेंट्री टर्नओवर हाई आने का, ऑब्वियसली इसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसका एक और हां हां पूछो, इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक पॉइंट हमने ये लिख दिया कि ज्यादा कस्टमर और दूसरी तरफ हमने लिख दिया कि दूसरे पॉइंट हमने लिखा कि यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का रीजन है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं, बस तुम ये लिख दो कि प्रोडक्ट डिमांड में है और बिक रहा है तो काफी है, उसके वजह से ये बता दो कि रेवेन्यू ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड रीजन ज्यादा देख लें।
अच्छा ऑब्वियसली अगर तुम ज्यादा मरतबा इन्वेंट्री खरीद रहे हो, ज्यादा टाइम इन्वेंट्री बेच रहे हो, तो तुम्हारा कैश फ्लो भी ज्यादा होगा। अच्छा अब ईयर एंड में इन्वेंट्री कम बची क्योंकि सामान ज्यादा बिक रहा है, तो इन्वेंट्री कम बची है तो इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होगी उसकी वजह से। अब सपोज करो तुम कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारी ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स बिक गई, तो फिर तुम्हें फ्रिज कम चलाना पड़ेगा कम कोल्ड ड्रिंक होने की वजह से, तो फिर फ्यूल कॉस्ट डाउन होगी तुम्हारी। फ्यूल कॉस्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डाउन होगी, तो स्टोरेज कॉस्ट डाउन होगी इन्वेंट्री अगर बिक रही है ज्यादा। तो सर इसमें मुझे याद है सर, मेरे ख्याल से एक टॉपिक आता है सर, फीफो और एफओ, सर ये हमने पढ़ा है? वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, वो अलग टॉपिक है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है इसमें, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, फीफो और एफओ होता है उसमें, लीफो कैलकुलेट नहीं करते, आईएएस अलाउ नहीं करता उसके लिए। तो अगर ये रेशियो इंक्रीज हुआ है तो उसके रीजन ये हैं, फिर ये रेशियो डिक्रीज भी हो सकता है। पिछले साल 20 टाइम्स तुम इन्वेंट्री खरीद रहे थे और बेच रहे थे, इस बार जो है वो रेशियो 10 टाइम्स हो गया, तो उसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं एक से दो लिखने के, या तो तुम इन्वेंट्री ज्यादा खरीद रहे हो, या तुम्हारी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट या लो क्वालिटी की है तो वो डिमांड में नहीं है, बिक नहीं रही। अब सपोज करो तुम टाइपराइटर्स लेके बैठे हो बिजनेस में, तो वो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री जाहिर सी बात है नहीं बिकेगी, या तुम वीडियो कैसेट्स लेके बैठे हुए और डीवीडीज लेके बैठे हुए, अब वो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है तो ऑब्वियसली वो नहीं बिकेगी। इसके अलावा हो सकता है प्रोडक्ट की हमने सफिशिएंट मार्केटिंग की हो तो उसकी वजह से उसकी अवेयरनेस ना होती, जैसे पोर्शा की जो है वो एक 2005 में 911 कैरेरा जीटी आई थी, अब वो गाड़ी बहुत जबरदस्त थी लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी की नहीं गई थी, और उसके अलावा मार्केटिंग उसकी इतनी अच्छी की नहीं गई थी तो वो इतनी बिकी नहीं थी, जबकि वो गाड़ी बहुत जबरदस्त थी, स्पोर्ट्स कार बहुत जबरदस्त थी वो, तो ऑब्वियसली उसकी सफिशिएंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की नहीं गई और नेगेटिव मार्केटिंग की गई कि इसको कंट्रोल करना पड़ा मुश्किल है, बड़ा केयरफुली करना होगा, तो लोग ना गाड़ी खरीदने से पहले ही डर गए कि यार हम इसको तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कंपनी ने उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कर दी थी, तो उसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री बिकी नहीं थी। इसके अलावा ज्यादा इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखनी पड़ेगी तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस होगा, इन्वेंट्री बिक नहीं रही है तो ऑब्वियसली कैश फ्लो भी रिड्यूस होगा। सही है, ये पढ़ लो जरा, ये रेशियो अगर डिक्रीज हो गया तो ये उसके रीजन है। एक्सेस इन्वेंटरी बाय करने का मतलब जितनी डिमांड है उससे ज्यादा भी इन्वेंटरी बिना वजह बाय करके रखते हो तो फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। जी सर, कर लिया जी। अच्छा ये रेशियो ना टाइम्स में आंसर लिखा जाता है इसका, टाइम्स टाइम्स में आंसर लिखा जाता है। अच्छा यही रेशियो तुमसे डेज में भी निकलवा सकता है वो, तो उसमें फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट एवरेज इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, या 365 को इन्वेंटरी टर्नओवर टाइम से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। अच्छा डेज में एक बात सोचना कि रेशियो ज्यादा होना चाहिए या कि डेज कम हो या डेज ज्यादा होंगे, डेज में रेशियो ज्यादा होना चाहिए या डेज में रेशियो कम होना चाहिए,
जितना कम हो उतना अच्छा है। जितने कम दिन डेज के अंदर इन्वेंट्री तुम बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो तो उतने ही तुम ड्यूरिंग द ईयर ज्यादा इन्वेंट्री बेचोगे, क्योंकि तुम कम दिन में इन्वेंट्री खरीदोगे और कम दिन के अंदर बेचोगे। तो डेज के अंदर ये रेशियो कम होना लोअर द बेटर है। डेज के अंदर ये रेशियो कम होना चाहिए, टाइम्स में ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए था। जितने कम दिन लगे इन्वेंट्री बिकने में उतना ज्यादा अच्छा है ना, जितनी जल्दी इन्वेंट्री बिकेगी उतना जल्दी कैश जनरेट होगा बिजनेस में। तो पिछले साल सपोज करो तुम 20 दिन लगा रहे थे इन्वेंट्री बाय करने में और सेल करने में, 20 दिन की साइकिल थी। इस बार जो है वो सपोज करो सिर्फ 10 दिन की साइकिल है, ये 10 डेज की है। तो उस पे फिर ये रेशियो इंप्रूव होने के रीजन सप्लाई हो जाएंगे, सही है? सॉरी, ऊपर है इन्वेंट्री इंप्रूव होने के रीजन। इन्वेंट्री कम बाय कर रहा है या प्रोडक्ट डिमांड में, तो उसकी वजह से वो बिक रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कैश में इंप्रूव होगा ऑब्वियसली। जितने कम दिन में इन्वेंट्री भेजोगे उतना ज्यादा कैश आएगा, जितनी जल्दी इन्वेंट्री भेजोगे उतनी स्टोरेज कॉस्ट भी कम आएगी उसकी, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। अब सपोज करो पिछले साल तुम 10 दिन के अंदर इन्वेंट्री खरीद रहे थे और बेच रहे थे, अब वो 20 डेज में काम कर रहे हो, तो 20 डेज के अंदर तुम इन्वेंट्री बाय कर रहे हो, 20 डेज के अंदर इन्वेंट्री बेच रहे हो, जबकि पिछले साल ही काम तुम 10 डेज में कर रहे थे। तो फिर रेशियो ना वर्सन हुआ, यानी रेशियो परफॉर्मेंस बिजनेस की डिक्लाइन हुई है। तो उस पर फिर यही रीजन सप्लाई हो जाएंगे कि ज्यादा इन्वेंट्री खरीद रहा होगा, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है या वो इतनी डिमांड में नहीं है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी की नहीं गई है, इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कैश फ्लो भी रिड्यूस होगा अगर ज्यादा दिन लग रहे इन्वेंट्री बिकने में, रेवेन्यूज भी ऑब्वियसली डिक्लाइन होंगे। तो वैसे ज्यादातर ये टाइम से कैलकुलेट कराते हैं, कभी कभी ये डेज में करवा लेते हैं, इसलिए अच्छा। फिर एक और इम्पोर्टेंट रेशियो नॉन करंट एसेट, दो रेशियो है ये, नॉन करंट एसेट टर्नओवर है अपना, ये निकलता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट से। रेवेन्यू नेट लेना होता है और नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू लेनी होती है इसमें, सही है? तो फिर इसका आंसर भी ना टाइम्स में आता है। अच्छा, इसमें जैसे 15 टाइम्स आंसर है तो इसका मतलब है मैं बता देता हूँ, सपोज करो इसका आंसर 15 टाइम्स है, इस रेशियो का मेन मीनिंग तो ये है। अगर सपोज करो 15 टाइम्स आंसर था तो उसका मतलब है कि फॉर एवरी डॉलर व्हेन इन्वेस्टेड इन नॉन करंट एसेट्स बिजनेस इज जनरेटिंग $15 ऑफ रेवेन्यू। तो ये रेशियो एक्चुअली शो करता है कि नॉन करंट एसेट्स के जरिए बिजनेस कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, कि नॉन करंट एसेट्स बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि नॉन करंट एसेट हम दो मकसद के लिए खरीदते हैं, या तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए खरीदते हैं या रेवेन्यू जनरेशन के लिए खरीदते हैं। अब जैसे टीसीएस है, उसमें बाइक्स के अलावा ये शहजोर में और ट्रॉलर्स में भी इन्वेस्ट किया, उसकी वजह ये है ना कि वो अगर ट्रॉलर्स और ट्रक्स यूज करेगा तो वो कम टाइम पे ज्यादा डिलीवरीज कर पाएगा और ज्यादा क्वान्टिटी डिलीवर कर पाएगा, तो ऑब्वियसली उससे उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। जी
ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये रेशियो इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम इट्स नॉन करेंट एसेट्स। ये रेशियो जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। सपोज करो पिछले साल 10 टाइम्स था, इस बार 15 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने या तो ज्यादा एफिशिएंट नॉन करेंट एसेट्स खरीदे या पुराने ही नॉन करेंट एसेट्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब जैसे एस टाइल्स है, उसने ना भी 1-2 साल पहले अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में इन्वेस्ट किया उस और प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने में भी, तो उसकी वजह से वो ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा तो ज्यादा सेल्स कर पाएगा, तो नॉन करेंट एसेट्स ऑब्वियसली इसको फिर रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगे। और ये रेशियो सपोज करो पिछले साल 15 टाइम्स अब 10 टाइम्स हो गया है, तो इसका ना बिजनेस अपने या तो एसेट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहा या कोई नए नॉन एफिशिएंट नॉन करेंट एसेट्स खरीद नहीं रहा। पहले तो उसमें ये जो उस पेज में लिखा है वो पढ़ लो नॉन करेंट एसेट टर्नओवर के बारे में। तो जब नीचे का सेक्शन भी पढ़ लो। जी सर, समझ आ गया। आसान है काफी, है नॉन करेंट एसेट्स रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, ये पता चलता है इससे। बाकी ये A2 का रेशियो है, सही है। वर्किंग कैपिटल साइकिल A2 में नेट वर्किंग एसेट्स टू रेवेन्यू, ये दोनों A2 के रेशियोज है, सही है। ये बाय मिस्टेक मैंने AS में लिख दिया, ये A2 के रेशियोज है दोनों। और ये नेटवर्किंग एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो ये भी A2 का ही पार्ट है, सही। ये तो हो गए रेशियोज और उनके एनालिसिस। अब रेशियोज को एनालाइज करता कैसे, तो उसके लिए से दो बातें समझनी है, अभी ज्यादा नहीं दिमाग में चलता। देखो किसी रेशियो को खुद से देख के तो कह नहीं सकते कि रेशियो अच्छा या बुरा है, या तो मुझे उसका पिछले साल से कंपेरिजन करना होगा या किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना होगा उसको रेशियो को, सही है। तो वो उसके लिए डेटा दिया हुआ होगा उसने पेपर में, अगर वो पिछले साल का रेशियो दे रहे हो तुमसे करंट ईयर के कैलकुलेट करवाए हैं, तो ये ट्रेंड एनालिसिस होगा। इस पर तुम अपना रेशियो पिछले साल के रेशियो से कंपेयर करोगे, सही है, ये डिसाइड करने के लिए कि रेशियो इम्प्रूव हुआ या रेशियो वर्स हो गया या रेशियो डिटोरेट हो गया, तो इसको हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। इंटर फर्म कंपेरिजन में ये होता है कि या तुम कॉम्पिटिटर से रेशियो अपना कंपेयर करेंगे या इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री एवरेजेस पाकिस्तान में कैलकुलेट नहीं किए जाते,
मगर दूसरे कंट्रीज में हर इंडस्ट्री का ना इंडस्ट्री एवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस तरह आ सकता है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल की जितनी भी कंपनीज है ना उन सबका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दें और उसका हम एवरेज निकाल दें, तो उससे हमें फिर इंडस्ट्री एवरेज मिल जाएगा। उससे भी तुम्हारा कंपैरिजन करवा सकता है, यहाँ सीआईई में इंडस्ट्री एवरेज का फिगर दिया हुआ होगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, या तुम्हें किसी कॉम्पिटिटर का फिगर दिया हुआ होगा उससे तुम्हें अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करना होगा। तो बस इसको रीड कर लो एनालाइजिंग रेशियोस को, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी सर। आसान रीड कर लिया ट्रेंड एनालिसिस और इंटर फ्रॉम कंपैरिजन। जी सर रीड कर लिया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बाद में बता दूंगा, वो बल्कि खुद पे रीड करके समझ सकते हो तुम लोग, आसान है मैं समझा दूंगा बेटा बाद में। अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, सही है? ये सैंपल आंसर भी मैंने इंक्लूड किए हैं एनालिसिस करने के, तो यहाँ से तुम लोग रिविजन कर सकते हो अपना, मैं सिखा भी दूंगा करना कैसे, सही है? ये तुम लोग के रिविजन के लिए मैंने सैंपल आंसर भी इंक्लूड किए हैं खुद, कि हर रेशियो कैसे एनालाइज करना है, क्या लिखना है। जी इसका क्वेश्चन टू है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ ब्लैकफोर्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड। नॉन करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक के ट्रेड पेपर्स, अदर पेबल्स हैं। अब यहाँ कैपिटल इंप्लॉयड इसका खुद दिया हुआ है, तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इक्विटी का टोटल दिया हुआ है, इसको देखो, बाकी कंपनी का इक्विटी का सेक्शन है तो भी छोड़ दो उसको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टोटल सेल्स दी हुई है, कैश परचेजेस दी हुई है, कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा ये बैलेंस शीट तुम देखो तो है 30 अप्रैल 2011 की, सही है? तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें 30 अप्रैल 2011 की दी हुई है, लेकिन एक कुछ डेटा 30 अप्रैल 2010 का भी दिया हुआ है, इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स। तो अगर हमारा ये 30 अप्रैल 2011 में एंड हो रहा है, तो ये 30 अप्रैल 2010 एंड की जो वैल्यूज है ये क्या होंगी? तो ये क्या होंगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये ओपनिंग होंगी, ओपनिंग होंगी। अभी पहले क्या पूछा उसने? कैलकुलेट द फॉलोइंग अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2011, कॉस्ट ऑफ सेल्स
सेल्स में हम परचेजेस और इन्वेंटरी ओपनिंग और वो सब डाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा अब देखो मुझे परचेजेस का मसला है कि वो सब कैश की दी है, और इसमें अगर अपडेट पेबल्स के बैलेंसेस दिए हुए ना तो डेफिनेटली क्रेडिट पे भी परचेजेस कर रहा है, तो क्रेडिट परचेजेस मुझे निकालनी पड़ेंगी, वो दी भी नहीं है उसने। तो अकाउंट्स पेबल का अकाउंट याद है जो कंट्रोल अकाउंट में बनाते थे, जी सर। तो वो बना के ना मुझे क्रेडिट परचेजेस निकालनी होगी, तो उसके लिए तुम्हें ये ओपनिंग ट्रेड पेबल्स का बैलेंस दिया हुआ है, कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स दिया हुआ है, और ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तुम्हें, सही है? जी सर। तो ये डेटा यूज करके ना तुम निकाल सकते हो पर क्रेडिट परचेस, क्रेडिट डायरेक्ट नहीं ले लेंगे सर ट्रेड पेबल, क्या मतलब? सर जो ट्रेड पेबल की हमारी अमाउंट है सर वही हमारी कैश परचेजेस, वो क्रेडिट परचेजेस नहीं होगी। नहीं होगी ना, कंट्रोल अकाउंट बनाओ तो पता चलेगा डिफरेंस है। ये तो हमने कैश पे किया क्रेडिट सप्लायर्स को, ट्रेड पेबल्स को ये ईयर एंड में कितना हमने पेमेंट नहीं की क्रेडिट सप्लायर को, अभी इसमें 15 दिया हुआ, इसने ईयर एंड में 15 नहीं सॉरी दिया हुआ 55, तो 55,000 ना हमने पे नहीं किए सप्लायर को। समान हो सकता है हमने 1 लाख का 1.5 लाख का से ज्यादा का खरीदा हो, क्योंकि कुछ तो पेमेंट हमने कर दी है सप्लायर्स को, कुछ सामान की हमने नहीं की। ठीक है सर, तो मुझे ये निकालना होगा ना कि ड्यूरिंग द ईयर खरीदा कितना था सप्लायर से, ये तो ये शो कर रहा है कि हमने पे कितना नहीं किया सप्लायर को ईयर एंड में, वो ये शो नहीं कर रहा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा कितना है, तो कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा इसके लिए। तेरी 55,000 हमने अभी पे नहीं किया ना, नहीं किया, ये क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट्स पेबल का, ये ओपनिंग बैलेंस अकाउंट्स पेबल का, और ये कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स दिया हुआ है, यही रेलेवेंट फिगर्स है जो यूज होंगी अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। इसका ओपनिंग याद से मुझे याद है जा सर, सर मुझे याद है सर इसका ओपनिंग हम क्या लेंगे, ओपनिंग ये है ना 15,000, ये मैंने 15,000 30 रुपए, हाँ सही सही, क्लोजिंग 55 है, और ये क्रेडिट सप्लायर को पे कितना किया ये बता दो उसने। जी सर, सर 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 तो आंसर नहीं है सर, हमने एक तो ये लिया कैश, हाँ बोलो, कैश पेड हमने ले लिया 60,000, हाँ ये सर, उसके बाद में बैलेंस ओपनिंग का लिया सर अपना 15,000, अबे क्लोजिंग बैलेंस भी तो लेना है 55 का, 55,000 हमने क्लोजिंग ले लिया सर। परचेजेस क्या आएंगे अब, सही 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 सही, एक मिनट सर, क्या मैंने रेशियो कहा था कि रीड करके आना, सारे रेशियो समझाने में मुझे घंटा लगाना पड़ा, इतने में तो क्वेश्चन 1,00,000 रुपए, अगर तुम जब रेशियो पढ़ के आते तो थोड़ा क्वेश्चन करने में टाइम जाता ज्यादा, 1,00,000 रुपए, एक 100,000 है, ये 100 ले लो उसमें, जी। अब कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो, अब सारी फिगर्स है तुम्हारे पास। अच्छा लेकिन उससे पहले काम करना होगा परचेजेस टोटल निकालनी होगी, तो अगर ये 240,000 की कैश परचेजेस है, क्रेडिट हमने निकाल ली, हाँ टोटल परचेजेस 240 कैश की परचेजेस ले लेंगे और क्रेडिट परचेजेस ले लेंगे 100, तो टोटल परचेजेस 240, इन्वेंट्री की फिगर हम दिखा देते ऊपर से, सर इन्वेंट्री हम 28,000 होगी ना हमारी, तो ओपनिंग उसमें क्लोजिंग लेते हैं और उसमें ओपनिंग लेंगे, अब ओपनिंग 28 है, पर चीजेस हमारी 340,000, इसमें सर कैरेज वगैरह कुछ नहीं है, नहीं दिया हुआ,
बैंक लेंगे इसमें, बैंक क्यों लेंगे इसमें, कैश एट हैंड कैश एट बैंक नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंटरी एट परचेसेस लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी होता है, इसमें बैंक कहाँ से आके, बैंक बैलेंस तो बैलेंस शीट में आता है। हाँ सही 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 सर। वैसे इसमें ओपनिंग है, परचेजेस और क्लोजिंग है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ये है जो यहाँ 40,000 डीबी है। 40,000 है सर, 328,000। हाँ ये लिखा ही है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है ये 328,000, इसको लिख के रखना कुछ काम आएगा आगे। सही है, जी सर लिख लिया सर। अब वो कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल्स रेवेन्यू हम डाल देंगे, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ उसने, टोटल रेवेन्यू सेल्स दिया हुआ, रेवेन्यू 40,480,000 तो सर इसको माइनस कर देंगे 480,000 से, माइनस बाय 328,000 सर ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 1,52,000। सही है, एक सेकंड वेट करना, मैं पेन ला रहा हूँ। जी सर जी, जीपी 152 हो गया। सही है, अच्छा अब मुझे जी सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी निकालने हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से सही 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 ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मसला है कि एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर दी हुई है, इसके अलावा अदर पेबल्स भी दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक्सपेंसेस है इसके। तो इक्विटी वगैरह भी तो आएगा ना सर, सर ये जो इक्विटी शेयर इक्विटी बैलेंस शीट में आता है, इनकम स्टेटमेंट में कहां से आता है इक्विटी, बैलेंस शीट में लेते हैं हम इक्विटी को, ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट एज लाइक इक्विटी का इनकम स्टेटमेंट में कहां सही सही है, इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम आता है। सही सर, ये एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया हमारा 20,000 के बाद से एक्रूड एक्सपेंस ऐड हो जाएगा क्योंकि अदर पेबल्स का एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। सही, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम अदर पेबल ऐड कर देंगे, अदर पेबल ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसके अलावा सर ट्रेड पेबल है, नहीं ट्रेड पेबल नहीं आएगा, ट्रेड पेबल तो हमने परचेसेस के लिए यूज कर लिया था, ट्रेड पेबल एक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर, ट्रेड पेबल क्रेडिट परचेसेस के लिए होता है, तो क्रेडिट पे हम परचेसेस करते हैं, तो वो क्रेडिट पर ये ट्रेड पेबल के करंट लायबिलिटीज सही है सही सही 120,000 ये हमारा सर 143,000 को माइनस कर लेंगे 152 से, सर ये 9,000 से नेट प्रॉफिट है। हाँ सही है, प्रॉफिट फॉर द ईयर ना 9,000 है इसका, या 9 है कह लेंगे,
सॉरी, इसमें एक्रूड एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर एडजस्टेड दी थी। अगर ये कहते कि पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो फिर हमें इस पे एक्रूड लेना पड़ता, ये 120 एज इट इज लेंगे हम, सही है? तो सर हम एक्सपेंसेस में अदर पे पर अलग लेंगे, अदर पे पर लेंगे ही नहीं इसमें क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डायरेक्ट फिगर दी थी उसने। अगर वो ये कहते पेमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो फिर हम एक्रूड एक्सपेंस ऐड करते हैं, या उसने ईयर एंड के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए इसका मतलब ये एडजस्टेड है, तो बस 152 में से ये 120 माइनस कर दो। सर वैसे अगर इस पे डेट ना दी हुई और इस तरह इस पे दी हुई है तो फिर हम ऐड करेंगे। हाँ सही, ये 9000 से मैं सर वो क्या सर हमारा वो कितना सर हमारा वो क्या कहते हैं अदर पेबल कितना था सर? अदर पेबल 23 है, उसको इग्नोर करना भी इसको कोई काम नहीं है। अच्छा ये कुछ कैलकुलेशंस कराइए, अब तुम देखना जरा ये जो अभी हमारी बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है नॉर्दर्न डिवीजन की है, सही है, ब्लैकफोर्ड इंडस्ट्रियल की, और ये रेशियो किसके दिए हुए उसने? साउथर्न डिवीजन के, हाँ तो ये वही मिसाल है कि जैसे टोयोटा का एक अमेरिकन, एक पाकिस्तान का डिवीजन है, एक इंडिया का डिवीजन है, तो ये हो सकता है उनका कंपैरिजन हो रहा हो आपस में, तो ये एक ही कंपनी के डिफरेंट डिवीजन है, सही है? जैसे टोयोटा फॉर इंडिया का टोयोटा अलग है, पाकिस्तान का टोयोटा अलग है, जापान का टोयोटा अलग है, तो टोयोटा के जैसे डिवीजन है ना, और जैसे जेबिस्ट है, जेबिस्ट का क्या कराची का डिवीजन है, फिर लाड़काना का डिवीजन है, और फिर दुबई में भी है, तो ये सेम कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट डिवीजन कंपेयर हो रहे हैं, सही है? तो ये साउथर्न डिवीजन के उसने रेशियोज दिए हुए, कुछ मार्कअप है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, एक्सपेंसेस टू सेल्स है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर से टाइम्स में दिया है, और फिर एसेट टेस्ट रेशियो, सही है? अब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? Calculate each of the same ratios for the Northern Division of Blackford Industries Limited for the year ended 30th April 2011. The calculation should be correct to two decimal places. मैं मार्कअप में लास्ट में बताता हूँ, पहले तुम बाकी कर लो, सही है? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, और वैसे खोलना पड़ेगा तुम्हें अपने पास। ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम ट्राई करना चाहोगे रेशियो ये? सर मैं कर लूंगा सर, चलो सही है, अगर करते हो तो बहुत अच्छा है, तो ओपन कर लो अपने पास क्वेश्चन को, सही है? जल्दी करना क्वेश्चन लोड हो रहा है, कहीं भी पूछो ना तो मुझसे फॉरन पूछो, सही, कैसे करना है कैलकुलेट, मसला नहीं।
ये कौन सा ये थर्टी अप्रैल 2011 और 30 अप्रैल 2011 के रेशियो मतलब दूसरे डिवीजन के लिए ईयर ये पेपर कौन सा ईयर का अच्छा तो देख क्या ये जून 2011 का पेपर 22 है ये मेरा ही पेपर है जब मैंने एएस दिया था उसमें क्वेश्चन 2 है 22 है सर ये जो लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 28.57 सर ये उसी वैल्यू पे होगा जो हमने निकाली है ये तो उसने दूसरे डिवीजन के रेशियो देखे हमें अपने निकालना है उसने कहा कि अब नॉर्थन डिवीजन के निकालो तो ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट तो ये रेवेन्यू से दिया भाई सर सर मेरा मतलब है ये जो फॉर एग्जांपल से जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो रेवेन्यू सर ये ऊपर से वाली उससे लेंगे ना सर इनकम स्टेटमेंट सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर नहीं टोटल रेवेन्यू यहां दिया हुआ है ना सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में 480 कुछ ऑब्वियसली वैल्यूज बैलेंस शीट से भी देख सकते हो लेकिन रेवेन्यूज में यहां दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट सही सही मतलब सर इसी जगह से लेंगे ना सर हम सारी वैल्यूज इसी जगह से सही 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 चलिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 होगा सर हां प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज फ्रॉम टैक्स प्लस के जाते हैं इसलिए के बाद के दो नंबर देखने होते हैं दो नंबर लेंगे ना सर तो 31.66% डिवाइड बाय 480 तो 31.66 है लेकिन तुम ये देखो कि जो डबल सिक्स के बाद भी सिक्स सिक्स चल रहा है तो 37 करना होगा इसको 67 करना होगा अब क्योंकि डबल सिक्स के बाद सिक्स है टू डेसिमल प्लेस करा है कि तीसरे नंबर को भी तुम देखोगे अगर वो फाइव इयर्स से बड़ा है ना तो सेकंड नंबर जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा तो वो सिक्स की जगह सेवन हो जाएगा सेकंड नंबर डेसिमल के बाद का सही है तो 31.67% होगा परसेंटेज जरूर लगाना वरना आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे चलिए एक्सपेंसेस टू सेल्स क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से डिवाइड करा देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए उस लेवल के उसी को रेवेन्यू से डिवाइड करा तो एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो आ जाएगा वरना फिर ये करना होता है कि जो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर निकाली होगी वो यूज करनी होगी उसको डिवाइड करा दो रेवेन्यू से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो क्योंकि ये भी परसेंटेज की टर्म्स में आंसर लिखना होता है तो आ जाएगा एक्सपेंसेस टू सेल्स बताना कितना है सर तो हम ये कर लेना ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इनटू हां अभी तो यही करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100
सर ये 25% 25% है ये सही है। अब प्रॉफिट मार्जिन निकाल दें। अच्छा एक पुराना सवाल है इस पे, उसमें नेट प्रॉफिट परसेंटेज यूज किया, अब इसे प्रॉफिट परसेंटेज ही कहते हैं सही है, तो उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर को रेवेन्यू से डिवाइड कर दो आ जाएगा। ये आ रहा है 6.67। हाँ सही है बिल्कुल, परसेंटेज बता देना बस आंसर के साथ सही है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। इसके लिए भी एक चीज बताओ, तो तुम इसके लाइबिलिटीज देखो तो उसकी कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, इसकी कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है ना सर, बैलेंस शीट अगर देखो उसकी तो जी सर, इसका मतलब इसके कोई लोन्स नहीं है, इसका मतलब इस कंपनी के लेंडर्स नहीं, टोटल इक्विटी से ही फाइनेंस हुई है कंपनी, तो इसलिए तुम देखो इक्विटी की और कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर इसमें इक्वल आ रही है, तुम देखो इसमें इक्विटी की जो फिगर है वही कैपिटल एम्प्लॉयड की भी है, तो उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब नहीं, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला हुआ है ना 32,000 का वही यूज हो जाएगा, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर को इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा सही है। तो मैं समझ डिवाइड कर दूं प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर ही डिवाइड हो जाएगा इससे कैपिटल एम्प्लॉयड से, क्योंकि इसके लोन्स नहीं ना कोई, तो तुम इसको देखो इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर्स इक्वल है, तो इसका मतलब कंपनी इक्विटी से फाइनेंस हुई है सारी, तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर ही यूज हो जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की जगह सही से, फिर कंपनी कराऊंगा तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। सर ये 6.875% एक 14% समथिंग आ रहा है, 32,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 20,000 से। हाँ सही 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 मैंने सर एक जीरो कम लगा दिया। क्या आ रहा है आंसर अब? ये आ रहा है 14.54, लेकिन हम कर देंगे सर 5.4 ही करेंगे ना सर, एक 5.5 होगा क्योंकि 5 है तीसरा नंबर, 5 है 5.45 सही से परसेंटेज जरूर लगाना 14.55%। अब इसके बाद ये रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा हमारा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी निकाल लो सर, पहले ना एवरेज इन्वेंटरी निकाल लो, तो ओपनिंग इन्वेंटरी जो कि 28,000 की प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2, पहले एवरेज इन्वेंटरी की फिगर निकाल दो। सर ये आ गया हमारा 34,000 एवरेज इन्वेंटरी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंटरी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी टर्नओवर आ जाएगा टाइम्स पे, टाइम्स का यही फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। इनको उसको भी 100 करेंगे? नहीं नहीं ये टाइम्स में आंसर होता है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा, देखो ना उसने भी टाइम्स में दिया पे कॉम्पिटिटिव का भी, तो तुम्हें टाइम्स में निकालना ही आंसर, उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है परसेंटेज के लिए। सर तो ये आ जाएगा 14.11 आ रहा है सर, तो उसको 14.11 टाइम करेंगे? नहीं मुझे लग रहा है गलती है कहीं,
क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री की बात कर ले, 40 प्लस 28 डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी तुम्हारी? सर 34,000। अगर मैं 328 को डिवाइड करूं 34 से तो ये तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 328 ही ना कॉस्ट ऑफ सेल्स तुमने ही निकाली थी वो सही। जी सर 328 ही है। तो डिवाइड करना है 34 से। डिवाइड ही क्या था, एक सही सर 9.647, तो 9.65 लेंगे सर। बिल्कुल, पर टाइम्स लिखना सर, टाइम्स जरूर लिखना। 9.65 टाइम्स। अब ये लास्ट है लिक्विड टेस्ट एसिड, लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो वाली। इसके लिए तुम्हें सिंपली ये करना है कि जो करंट एसेट्स का टोटल दिया हुआ है ना, इसमें से इन्वेंट्री की फिगर माइनस कर दो और उस फिगर को डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटीज से, तो तुम्हारा एसेड टेस्ट रेशियो आ जाएगा 118 माइनस 40 78,000। तो इसको क्या करना था? 118 माइनस 40 डिवाइड बाय 78। 118 में से इन्वेंट्री माइनस कर दी तुमने? जी सर, वो 78,000 आ गया। 78 डिवाइड बाय 78 क्या आएगा? 1 होगा आंसर। जी सर, तो 1 ही आएगा सर। इसको 1:1 लिखना है, इसको इस तरह लिखना है 1:1। 1.1 हां 1.1 1:1 कहते हैं इसको, सही है? 78,000 ये अच्छे खासे मार्क्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब पहले मैं जरा तुम्हें इसकी मार्क्स की दिखा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, यूनिट्स पे खपला नहीं करना है किसी कीमत पे। मेरा ही पेपर था, सबसे आसान सवाल यही था। अब तुम ये खुद देख लो रेशियोज में, यूनिट लगाने आंसर के साथ, आंसर में देखो उसने यूनिट लगाई तो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज से उनके साथ परसेंटेज लगाइए, जो टाइम्स में जैसे रिटर्न ऑन रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर है तो टाइम्स लगाए, लिक्विड रेशियो को उसने 1:1 में लिखा है। उसके बाद इस पार्ट में क्या कह रहे हैं, अब सी पार्ट पढ़ना जरा। यूजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न डिवीजन ऑफ ब्लैकवुड इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच रेशियो। वो इररिलेवेंट है सब रेशियोस का कंपैरिजन करना, वो भी सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस का करना है, सबका करना भी नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 यूज होगा, बाकी किसी को भी यूज नहीं करना एनालिसिस में, सही है? और ये है कितने 10 मार्क्स का। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये मैं ही करके दिखा दूं, मैं लिख के आंसर भेज रहा हूं उसको पढ़ लेना, तो तुम्हें आइडिया जाएगा। कर दूं अभी मैं इसको? जी सर, सही, मैं इसको यही कर रहा हूं, तुम्हें आइडिया जाएगा। और फिर तुम अगर चाहो तो मैंने नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, वहां मैंने सैंपल आंसर्स भी लिखे हुए कि जनरली रेशियोज पे कमेंट करना किस तरह होता है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे बात कर लेते, मेरा 31.67 है, उसको कॉम्पिटिटर का कितना है, साउदर्न वाले का कितना है? ये पूछ रहा हूँ कंपटीटर का कितना है साउथर्न डिवीजन का, उससे कंपैरिजन करना है। अच्छा, ये सर हमारा है 28.5 सर। हमारा ज्यादा है साउथर्न का ज्यादा है? सर ये हमारा ज्यादा। अच्छा, उसमें ना मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझनी है पहले, तो देखो 10 मार्क्स का है और 5 रेशियोस पे बात करनी है 10 मार्क्स के लिए। सही, एक मार्क्स तो ये बेटर वर्ड्स लिखने का होता है और एक रीजन लिख दो हर रेशियो का तो काफी होगा। मैं जैसे करके दिखाता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और उसमें हायर और लोअर नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है बल्कि। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरा अच्छा है ना,
एक मार्क्स को 80 का हो जाएगा, तो मैं पहले तो इसमें कि बेटर है या वर्स है, तो यहाँ हायर लोअर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखना, तुम्हें बेटर और वर्स के वर्ड यूज करने, सही है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है साउदर्न से। और ये नहीं लिखना कि रेवेन्यू ज्यादा, ये लिखो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इट माइट बी चार्जिंग अ हायर सेलिंग प्राइस। सही है, हायर सेलिंग प्राइस चार्ज कर रहा है इसका। चलो एक और लिख देता हूँ, अभी चीपर सप्लायर की बात करो तो ये बता रहे रिजल्टिंग इन लोअर परचेस कॉस्ट पर यूनिट, तो सही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में लिख दिया मैंने। दूसरा प्रॉफिट मार्जिन है, अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन 6.67% है जो तुमने कैलकुलेट किया और सही भी है, उसका कितना साउदर्न वाले का? सर आपके बात सोच कट रही थी, साउदर्न वाले का क्या सर? अब साउदर्न वाले का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यानी नेट प्रॉफिट परसेंटेज उसकी कितनी? हमारी तो 6.67% है, उसकी कितनी? हमारी 6.67 उसकी है सर, 8.57 प्रॉफिट मार्जिन उसका बेहतर है ना? जी सर। तो या तो ये लिखेंगे कि साउदर्न का प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है, बेटर है नॉर्दर्न से, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न का प्रॉफिट मार्जिन वर्स है साउदर्न से। उसका सिर्फ एक ही रीजन लिखा है, क्योंकि एक मार्क्स तो ये बेटर वर्स लिखने का ही होता है, पर एक मार्क्स रीजन का होता है। सही है, रेशियोस की राइटिंग इस तरह की जाती है, अगर कोई रेशियो इतना अच्छा एनालाइज करना नहीं आता तो कम से कम बेटर वर्स ही लिख दो, एक मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद है एक्सपेंसेस, अच्छा इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अच्छा एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो के, बल्कि एक्सपेंसेस टू सेल्स बताना, मेरा 25% है उसका कितना है साउदर्न का? सर एक्सपेंस टू सेल्स है 20% है उसका। सर 20% है मेरा कितना है? सर हमारा पच्चीस परसेंट है, 25% हमारा ज्यादा है। अच्छा एक मसला है कि प्रॉफिट मार्जिन और उसने एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो का एनालिसिस एक साथ मांग लिया, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो अभी हमने एनालिसिस लिखा है इसको एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो कर दो, फिर मैं ये बताता हूँ प्रॉफिट मार्जिन के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं। क्योंकि नो हमारा एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो ज्यादा है साउदर्न से, तो उसका ना हमारा एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो वर्स है साउदर्न से, और उसकी वजह यही है कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउदर्न, प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियसली हमारा वर्स है इसकी वजह से, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ साउदर्न ऑफ नॉर्दर्न इज वर्स देन साउदर्न। अब यहाँ ये लिख सकते हो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा उससे साउदर्न से, मगर नहीं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा ज्यादा है, तो उस पर बस सिंपली लिखते हैं एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है।
तो ये भी हमें बड़ा देखना है। अगर मैं ये कह दूंगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम इन कंपैरिजन टू साउथर्न, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो हमारा ज्यादा है साउथर्न से, तो हम ये नहीं देख सकते कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम है। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम होता तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता साउथर्न से, लेकिन वो केस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की है, और मैं से ना ये दोनों का एक साथ एनालिसिस मांगता है, इस पर मांग दिया तो उस पर इस तरह मैनेज करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस वाला रीजन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो के साथ लिख दो, प्रॉफिट मार्जिन के साथ सिंपली टोटल में बात कर दो कि बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम या ज्यादा है। अच्छा आरओसी का क्या सीन है, मेरा 14.55% है, उसका कितना है साउथर्न डिवीजन का? आरओसी उसका सर 18% ज्यादा है, आरओसी भी उसका ज्यादा है। सही है, मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख दिया, उसके दो लिख दिए मैंने कि एक तो इन्वेस्टर्स को लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इन कंपैरिजन टू साउथर्न, इसके अलावा इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर लो है, जो कि हमें प्रॉफिट मार्जिन से भी पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो कम होगा प्रोबेबली साउथर्न से, तो वह भी रीजन हो सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने का। मार्कअप पर मैं कल बता दूंगा, सही है। ये भी आंसर इतना छोटा सा लग रहा है क्योंकि इतने सारा मैंने कम लाइंस में फिट किया है और मैंने लाइंस में गैप भी नहीं दिया। इसको वैसे नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम बेटर वर्ड्स के आंसर नोट से भी पढ़ सकते हो मेरे, सही है। वहाँ मैंने सैम्पल आंसर दिए हुए कि बैटरी को किस तरह एनालाइज करना है, वर्ड्स को किस तरह एनालाइज करना है, तो थोड़ा समझ आए तुम्हें? कि मार्क्स में बस एक चीज दिखा रहा हूँ फिर ओवर करते हैं। ये देखो मार्किंग स्कीम क्या होती है रेशियोस की, 1 mark each for better or worse। तो अगर तुमसे better words लिख देते हो तो 5 marks तो तुम्हें से वैसे के मिल जाएंगे। और देखो एग्जामिनर किस चीज के लिए मना करता है, डू नॉट एक्सेप्ट हायर लोअर ग्रेटर लेस और मोर लेस, ये नहीं बेटर और वर्ड्स लिखना है, सही है। मार्क्स स्कीम में देखो भाई बात, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये हायर लोअर इंक्रीज डिक्रीज मोर लेस लिख रहे होते हैं, तो इसके एग्जामिनर कोई क्रेडिट नहीं देता, क्रेडिट इस चीज का है। और ये देखो उसका भी वैसे ही लिखना है, बेटर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, बेटर सिर्फ मतलब बेटर लिखना है, हायर या लोअर नहीं लिखना। हाँ हायर लोअर नहीं लिखना है। अगर रेशियो इम्प्रूव हुआ है तो तुम बेटर का वर्ड यूज करो, अगर रेशियो जैसे मेरा बुरा है तो उसके लिए वर्ड्स का वर्ड यूज करो, सही है। हायर या लोअर यूज नहीं करना है, इंक्रीज या डिक्रीज यूज नहीं करना है। देखो उसमें भी एनालिसिस ऐसे कि सेल्स प्राइस हाई हाई मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस थोड़ा सा हाई टू सेल अ हाई प्राइस प्रोडक्ट। और दूसरे पॉइंट भी एक्सेप्टेबल है प्रोवाइडेड जस्टिफाइज द बिटवीन बट स्टेट। अच्छा फिर मैंने कहा था 5 marks बेटर पर देखने को देंगे, हर रेशियो का एक एक रीजन दे दो तो 1 mark उसका ऐसा ही है, तो इस तरह 10 marks बनेंगे इस क्वेश्चन में जाकर। सही है स्थान, चलो फिर ओवर करते हैं क्लास, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट में, क्वेश्चन और करा दूंगा मैं इसके बाद, फिर वो बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे कल, सही है। बैंक रिकंसिलिएशन छोटा टॉपिक है, कल ही खत्म हो जाएगा, उसकी थ्योरी एसएस ना होने के बराबर है, उसमें थ्योरी है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। चलो सही है, अल्लाह हाफिज़।